कनेक्शन उस कनेक्शन को काटेगा। तो अब उसके ऊपर बुद्धि है, मन के ऊपर। अब बुद्धि को इतना प्रवीण रखो कि वो संशय न कर पावे, नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति। जब कनेक्शन ही कट गया तो फिर अध्यात्म कहां से आएगा? अगर संत में, गुरुजनों में, भगवान में, शास्त्रों में, वाणी में, गुरुवाणी में विश्वास नहीं तो फिर आप चल कैसे पाओगे? मन का काम है संशय पैदा करना। आप उसको बुद्धि के द्वारा शासन में लीजिए। मन के ऊपर बुद्धि है, और जब बुद्धि संशय करने लगे तब फिर समझ लेना चाहिए कि अब कोई महापाप उपस्थित हो गया, अब हमारी दुर्गति होगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अब निश्चित पतन हो जाएगा। नहीं, क्यों संशय करता है मन? उसको डांट लगाओ, किस बात का संशय करता है? आपको कभी गलत बताया गया क्या? आपको किसी भी तरह से छल कपट नजर आया क्या? संशय कैसे कैसे ऐसे कर सकते हो? संशय डांट नहीं सकते अपने मन को? अगर हमारा मन गलत जाएगा, आज इधर हम नहीं रोक पाए तो कल बहुत जगह गलत जा सकता है। हम इसको डांटे, इसको फटकारे, ऐसा है क्या मन कि जो चाहे वो करवा सकता है? फिर तो तुम किस बात के परमार्थ के पति को? जो मन आया सो हम थोड़ी करेंगे, हम शासन में रखेंगे मन को। अगर हमारा मन भगवान पर अविश्वास करता है, शास्त्र पर अविश्वास करता है, संतों पर, गुरुवाणी पर अविश्वास करता है, हम इसको डांट लगाएं, इसको शासन में रखें, इसकी बात थोड़ी माननी है, हमें उदास थोड़ी हो जाना है। ये तो क्या क्या सोचता है, ये तो भगवान पे सोच जाए गलत। जैसे मैं दिन भर आपका राजराज कहता हूँ जी, टीवी पर देख कर रहा हूँ, घर पे भी और वहां भी दुकान में भी जी, तो मैं 24 घंटे में मैं यही देखता रहता हूँ जी। तो कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा दो बार आ जाता है आपका, तो उसमें संशय करने लगता है महाराज जी ने ये बात वहां कही थी, यहाँ भी कह रहे। समझो, एक बात समझना यहाँ। जैसे एक आदमी है, वो गृहस्थी में है, और गृहस्थी में अभी परमार्थ का प्रारंभ हुआ है, तो उसको हम दूसरा उपदेश करेंगे उसी प्रश्न का। एक आदमी परमार्थ में अच्छा प्रवेश पा रहा है, तो जो उसको उपदेश किया तो उससे विपरीत उपदेश उसको होगा, उसको घोर वैराग्य का उपदेश, जहां परमार्थ में उससे ऊपर उठाने का उपदेश। तो वही उपदेश एक ही प्रश्न के दो उपदेश नहीं, 100 उपदेश हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी स्थिति कहां है, स्थिति के। अच्छा देखो, बुखार कितनी तरह का होता है समझते हो ना? क्या एक ही टेबलेट डॉक्टर सबको देता है? बुखार की भी एक सीमाएं होती है, बुखार के भी प्रकार होते हैं। टाइफाइड है, मलेरिया है, साधारण बुखार है, उसको वैसे देना है। अब वो साधारण अभी भक्ति में प्रवेश पा रहा है, और उसके लिए बिल्कुल साधारण उत्तर होगा, और एक असाधारण स्थिति की तरफ जा रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर उसके लिए बहुत कठिन होगा। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, गोली डंडी लिखता है, तो मास्टर कहता है शाबाश शाबाश, लेकिन साल भर वही लिखता रहे तो चपत जमाएगा। एक साल से आ रहा है, अभी गोली डंडा खींच रहा है, समझ रहे हो ना? तो परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है, एक ही प्रश्न के सैकड़ों उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक है कि आप मासिक धर्म में कभी ठाकुर जी को छुएंगे नहीं, रसोई नहीं बनाएंगे। अब एक है अखंड ब्रह्मचारी है, कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, ठाकुर सेवा विराजमान किए, संसार से कोई मतलब नहीं, और उसके लिए कह देंगे स्नान करके आप ठाकुर सेवा करो। अब आप कहोगे एक स्त्री को तो कह दिया ऐसा, और एक स्त्री वो पति स्वीकार करके गृहस्थ धर्म में रह रही है, उसके लिए वो नियम लागू है, और जिसने अपने जीवन को भगवान में अर्पित कर दिया, संसार के भोग नहीं स्वीकार किए, अब वो ब्रह्मचारिणी विरक्त भगवान नाम जापक, अब तो ऐसे चल। योग्य अधिकार सामने वाले उपासक के अनुसार उत्तर दिया जाता है। तो तुम्हारे हृदय में जब 4 उत्तर एक ही प्रश्न के, तो सोचना चाहिए 4 प्रकार के अधिकारी हैं। एक ही उत्तर कभी देखा है डॉक्टर एक ही दवा सबको देता रहे? अलग अलग है, नहीं है? अलग अलग बीमारी है, अलग अलग स्थिति, बीमारी की स्टेज अलग अलग है, ऐसी साधना की है प्रारंभिक साधना। तू चिंता मत कर, तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, साथ में राधा राधा जपना शुरू कर दो। अब एक आया साल भर से लगा हुआ है, क्या होगा? तेरे आचरण तो शुद्ध होने चाहिए ना, ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़ ये, तो कुछ नहीं होगा। अब एक वो उपदेश है कि उपदेश उसको लगाना है और इसको उठाना है। अब एक आया जो सब कुछ छोड़े हुए है, तो अब क्या है? इतने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे दिमाग में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, एक सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और एक से कह रहे अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी तुम जप लोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, और एक से कह रहे तुम निरंतर जपते हो लेकिन तुम्हारी तन्मयता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको लगेगा इसके लिए तो कह रहे कुछ काम नहीं हो, उससे कह रहे 24 मिनट, उसको उठाना है और इसको डुबोना है, प्रभु में एकदम डुबोना है। तो अलग अलग अधिकारानुसार भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, इसके हृदय में कितनी भक्ति है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे?
नहीं, वो बात बताओ जो तुम्हें संशय किया हो कि एक प्रश्न का उत्तर ये और उसी प्रश्न का उत्तर ये, तो देखो अधिकार दो निकल आएंगे। बोलो आप। जैसे प्रभु हमने सब कुछ आपको मान रखा है। नहीं, हमें मत मानो, हमारी बात को मानो। नहीं, जो आपकी बात है मैं उसी पे। एक बात हमारी समझ लो कि अधिकारानुसार सैकड़ों उत्तर एक ही प्रश्न के हो सकते हैं, सैकड़ों उत्तर, क्योंकि सामने वाले अधिकार के अनुसार उत्तर दिया जाता है। वो किस कोटि का अधिकारी है, किस कोटि से चल रहा है, वैसा उसको उत्तर दिया जाता है। और वो उत्तर गलत नहीं होगा, कभी कोई उत्तर पकड़ के लाना मनमुखी उत्तर नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अगर जीवन में अगर बात मान लो तुम्हारा उत्थान ना हो जाए तो हमें बताना। पर एक ही प्रश्न के हजारों उत्तर होंगे, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अधिकारी के अनुसार उत्तर होता है। अब कोई संत प्रश्न करे तो उसका अलग उत्तर होगा, कोई गृहस्थ प्रश्न करे उसका अलग उत्तर हो, और कोई बालक प्रश्न करे उसका अलग उत्तर होगा। और गृहस्थ में भी है, वो किस कोटि का भगत है। हम जैसे किसी को देख रहे 5 साल से, हम उसे ठीक से बात नहीं करेंगे, हम उसे कड़वी बात करेंगे कि 5 साल हो गए तुम्हें सत्संग सुनते, अभी यही क्यों में फंसे हुए हो, और एक नया आदमी, धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने अध्यात्म की बात की, तो आपको लगेगा एक नया आदमी कह रहा उसके लिए धन्यवाद, और ये 5 साल से अध्यात्म में चल रहा है उसकी कटिया खड़ी करे, ये हमारे उद्देश्य को समझ रहा है कि हमको कहां पहुंचाना है उसको, समझ रहे ना। तो इसलिए जब कभी तुम्हें संशय लगे तो खुद आके पहले प्रश्न लिख लिया, महाराज इस प्रश्न में ये बोले थे और इस प्रश्न में ये बोले थे, तो दोनों का उत्तर हम तुम्हें समझाएंगे। 1 मिनट लगेगा समझने में। अब आपकी जितनी बुद्धि उसके अनुसार आप समझते हो, और यहां भागवतिक बुद्धि से जितना उत्तर हो रहा है उसको समझने की चेष्टा करो, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं बोलते, ये प्रवाह चल रहा है, प्रवाह। हाँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, कक्षा 9 पढ़े गांव के स्कूल में, कक्षा 9, ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये पोथी पत्रा वाला नहीं है, ये प्रवाह है, प्रवाह। बोलते रहो प्रश्न, बोलते रहो उत्तर निकलते रहेंगे, वो भागवतिक है, ये कोई ऐसे बुद्धि से थोड़ी, हाँ ऐसे अटकल लगाने वाला, बोलो और आधा प्रश्न हुआ उत्तर निकल गया, वो भगवान दे रहे हैं। और उस प्रश्न के उत्तर को समझ लो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 15 लोग यहां सुनो और 15 लाख बाहर सुनो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण।